तो आप इस रास्ते से महादेव विहार के लिए भी जा सकते हैं, बाकी रास्ता थोड़ा सा कठिन है, तो आप इसी रास्ते को चूज़ करें। आप इसी रास्ते से जाएं तो सही रहेगा, बाकी दोनों रास्ते लगभग सेम ही पड़ते हैं। बाकी रास्ते में सीढ़ी बहुत ज़्यादा है जिस कारण से थोड़ा सा कठिन पड़ता है, और इस रास्ते में थोड़ा प्लेन पड़ता है, सिंपल रास्ता पड़ता है, तो इस रास्ते से ही जाएं तो अच्छा रहेगा। हम अभी फिर से वापस आ चुके हैं मंदिर से नांदिया जंक्शन, और ये रास्ता है महादेव, बड़ा महादेव का, और इसके जस्ट सामने से आप जा सकते हो नांदिया, ऐसे आप जा सकते हो नांदिया से नीचे रास्ते से आप जाने जा सकते हो, और ये अपना ऊपर चौरागढ़ महादेव मंदिर के लिए, और ये अपना बड़ा महादेव मंदिर के लिए रिवर के लिए रास्ता जाता है। तो पूरा पत्थर काट के रास्ता बनाया गया है, छोटा सा रास्ता है, अगर मान लो कुछ होता है तो ये सब तो ग्रिल लगी हुई है अभी यहाँ पर, तो इस कारण से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले यहाँ से सब लोग बाग नीचे गिर जाते थे। और ये रास्ता है, ये पूरी पहाड़ी है, हम ये इधर से आ रहे हैं ऊपर से, यहाँ से पत्थर के ऊपर तक तो पूरा पत्थर को काटा गया है, आप देख सकते हैं, इससे आपको ये कटिंग का दिखाई दे रहा है। और मेरे साइड पे वैसे बाकी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी इधर, जामुन वगैरह भी मिल रही है। दोस्तों ये है टपका पानी, यहाँ पर पानी कंटिन्यू रहता है, इस कुंड में पानी रहता है कंटिन्यू, और ये पानी जो है एकदम फ्रीज से भी ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है पत्थर का पानी। ये हमारा शिवलिंग, तो ये है सीता नानी, यहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं। यहाँ पर सभी जो ट्रिप को जमाते हैं तो जानकारी नहीं है इसको, क्या रीज़न है क्या जमाते हैं तो हम जानते नहीं, जमा रहे हैं सब लोग, ट्रिप को जमाते हैं, हम क्या हम भी जमा लेते हैं, उसकी जानकारी तो हमको भी नहीं है, बाकी हम भी जमा रहे हैं। और ये हमारा टिप्पो टिका है नानी गुफा, इस प्रकार ही गुफा है। दोस्तों ये है 250 सीढ़ी, यहाँ से नीचे से स्टार्ट होती है, यहाँ नीचे एक पहली पारी है, अगर आप माधव तरफ से आओगे तो इधर साइड पे पहली पारी पड़ती है, और नांदी के नांदी तरफ से आओगे नांदी तरफ से उधर साइड पे पहली पारी पड़ती है। और ये है 250 सीढ़ी, तो यहाँ पे बोला जाता है इसको 250 सीढ़ी, बाकी गिने तो है नहीं कितनी 250 सीढ़ी है नहीं है, जानकारी नहीं है। तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट होती है, तो ये इधर ऊपर जाके ख़त्म होती है, और यहाँ से सीधे उधर आगे थोड़ा प्लान मिल जाता है। तो दोस्तों ये है पहली पायरी, अगर आप माधो तरफ से आ रहे हो इधर साइड पे आपको पहली पायरी ये वाली मिलेगी, और उधर साइड से आ रहे हो पहली पायरी उधर साइड पे नाली तरफ पे दूसरी पहली पायरी है, तो इधर साइड के लिए ये पहली पायरी है। और ये है महादेव रोड जो हम जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये सीढ़ी भी, और आप इधर नीचे जाना चाहते नीचे भी जा सकते हैं। और ये है घना जंगल, पूरा जंगल ही जंगल इधर टोटल, अभी ये क्या है पूरे पत्ते आ गए हैं, तो घना जंगल है, और ये बंदर बनना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बंदर के चले, हम भी चढ़ के देखे पेड़ में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, बाकी ये सब छोड़िए, देखिए आप देखते हैं जंगल। और ये है आपका चौरागढ़ मार्ग, और यहाँ से सारी दुकानें रहती है, मेला के टाइम पूरी हालत डाउन हो चुकी है, क्योंकि नांदिया तरफ से आना मतलब कि बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है उधर साइड से, क्योंकि पूरा पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, और पहाड़ी चढ़ के आओ फिर उधर साइड से यहाँ से चढ़ो, तो हालत तो गंभीर हो जाती है। बाकी महादेव तरफ से जाएँ तो उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है,
बाकी इधर साइड से बहुत प्रॉब्लम होती है। चलते हैं दिखाते हैं महादेव, बड़ा महादेव का सीन कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है चौगड्ढा, यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, बाकी इधर सीधे सीधे शॉर्टकट से नहीं आती, गुप्त महादेव तरफ से नहीं आती गाड़ी, यहाँ से सीधे एक रास्ता है इधर साइड से आती गाड़ी और यहाँ से आप सीधे एक रास्ता है ये वाला, आप यहाँ से जा सकते हो सीधे चौरागढ़ और यहाँ तक तो गाड़ी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ से तो आप अगर पचमढ़ी साइड से अगर आते हो तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, अगर नानी तरफ से आ गए तो नानी तक ही गाड़ी आएगी, नानी के बाद आपको पैदल आना पड़ेगा, इधर साइड यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती है, तो आप यहाँ पर गाड़ी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पहले के टाइम में तो आप गाड़ी नहीं ला सकते, बाकी सब ला सकते।